दोस्तों इंडियन आइडल के बाद अब सारेगामापा में कंटेस्टेंट के तौर पर आई नीलांजना रे के पिताजी का हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें उनसे नीलांजना को लेकर कई पर्सनल और प्रोफेशनल सवाल पूछे गए। जैसे नीलांजना एक बार फिर से रियलिटी शो में क्यों आई है, इंडियन आइडल सीजन 10 के बाद अभी तक नीलांजना कहाँ पर थी, और आपने नीलांजना के लिए सारेगामापा को ही क्यों चुना है, जिसको लेकर उनके पिता ने कई बड़े बड़े खुलासे कर दिए। आखिर क्या कहा उनके पिता ने नीलांजना को लेकर इस इंटरव्यू में, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू बॉलीवुड चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि नीलांजना के पिताजी ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही। दोस्तों पहला सवाल उनसे ये पूछा गया कि इंडियन आइडल सीजन 10 के बाद अभी तक नीलांजना कहाँ पर थी, जिसको लेकर उन्होंने जवाब दिया कि नीलांजना इंडियन आइडल्स की विनर नहीं बन पाई थी और सेकंड रनर अप रही थी। इसको लेकर नीलांजना ने 2 साल पूरे अपनी सिंगिंग को बेहतर बनाने के लिए सिंगिंग की प्रैक्टिस की है। अगला सवाल उनसे ये पूछा गया कि इंडियन आइडल सीजन 10 के बाद नीलांजना ने सारेगामा पा को ही क्यों चुना, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि सारेगामा पा ही एक ऐसा शो है जो इंडियन आइडल को टक्कर दे सकता है और ये इंडिया का सबसे पुराना सिंगिंग रियलिटी शो भी है, इसलिए नीलांजना ने यही शो चुना है। आगे उनसे पूछा गया कि नीलांजना एक बार फिर से रियलिटी शो में क्यों आई है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि नीलांजना इंडियन आइडल सीजन 10 में सेकंड रनर अप रही थी। हर एक शो में जो विनर होता है वो सबसे आगे होता है और लोग उसे ही ज्यादा पहचानते हैं, इसीलिए नीलांजना अब सारेगामापा में इस शो को जीतने के लिए आई हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या नीलांजना शो सारेगामापा को जीत पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सारेगामापा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।